प्यारे प्यारे के दीप जल रहे होंगे, प्यारे के दीप जल रहे होंगे, ख्वाब का पल बदल रहे होंगे। और तू भी रहे होंगे, वो भी घर से निकल रहे होंगे। दाद देने का एक तरीका है, आप इसे बीच बीच में आवाज़ निकालते हैं तो मैं थोड़ा सा मेरा ज़हन बन जाता है। अगर अच्छा लगा तो मुझे एहसास करा, मुझे पता है आप पर अभी खुशी का चरम चढ़ा हुआ है, लेकिन थोड़ा सा मेरे लिए भी, मुझे भी बहुत दूर से बुलाया गया है तो मैं कोशिश आप तक पहुंच पाऊंगा। कि मैं जब भी तेरी तहरीर से बात की है, मैं जब भी तेरी तहरीर से बात की है, यूं लगा जैसे अभी नीर से बातें की है। मैं जब भी तेरी तहरीर से बातें की है, यूं लगा जैसे अभी नीर से बातें की है, ओ हिचकियां कल भी यकीनन तुझे आई होंगी। मैंने दिन भर तेरी तस्वीर से आप शायरी सुन रहे हैं इसलिए मैं हौसला कर रही हूँ, वरना मैं कुछ भी पढ़ सकती हूँ और मेरा मेरे मूड का कोई भरोसा। कुछ भी से आपका क्या मतलब है? अच्छा अच्छा, मैं वही सोच रहा था, मैंने कहा कुछ भी से क्या मतलब? नहीं, आप शायरी सुन चुके हैं, मुझे लगता है कि जिस उम्मीद से आप मुझे बहुत देर से बैठे बैठे सोच रहे होंगे कि मैं कब आऊंगी, तो एक नया गीत आपके बीच पढ़ती हूँ, उसके बाद एक जिम्मेदारी का गीत, मुझे बहुत उसकी फरमाइश है। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा चाहती हूँ मैं आप तक पहुँच पाऊँ, जो आपका थोड़ा सा मूड बन जाए और आपकी मोहब्बत है मेरा भी बना। सुनिएगा, एक बार ताली बजा कर वो दे दीजिएगा, इजाजत दे दीजिएगा। नया गीत है, मैं इंशाल्लाह अगर यहाँ आप लोगों ने इसे मोहब्बतों से नवाज दिया तो फिर मैं जहाँ जाऊंगी वहाँ पढ़ा जाएगा। ये बीच में आप बहुत बात कर रहे हैं, गीत पढ़ती हूँ, जिस तरह के गीत मुझसे सुने जाते हैं कोशिश की है थोड़ा सा आप तक पहुँच जाए। थोड़ी सी आवाज बढ़ा दीजिएगा माइक वाले भैया, आप मेरे हिसाब से कर दीजिएगा। कि मैं तेरी नजर तेरी निगाहों में रहूंगी, मैं तेरी सिटी क्यों मार रहा भाई, यहां से आए तो समझ में आती है। कि मैं तेरी नजर तेरी निगाहों में रहूंगी, मैं तेरी नजर तेरी निगाहों में रहूंगी, मैं सारी उम्र खुशबू की तरह, खुशबू की तरह मैं तेरी नजर तेरी निगाहों में रहूंगी, मैं तेरी नजर तेरी निगाहों में रहूंगी। तालियां नहीं आ रही है और मैं नहीं चाहूंगी कि इस नए गीत की यहाँ हत्या हो जाए, इसका खात्मा हो जाए, इसलिए आपकी मोहब्बत आती रहे। सुनिएगा, मैं कोशिश करती हूँ, लेकिन जब आती हूँ सोचती हूँ कि कुछ नया पढ़ कर जाऊँ, पुराना तो मैं बहुत सारा पढ़ सकती हूँ। सुनिएगा, कि चाहत है मेरी तू तू ही अरमान है मेरा, चाहत है मेरी तू तू ही अरमान है मेरा, तू जान है मेरी तू ही ईमान है मेरा, जब तक मैं जीऊँ जब तक मैं जीऊंगी तेरी बाहों में रहूंगी, मैं सारी उम्र तेरी पनाह में रहूंगी, मैं सारी उम्र रहूंगी। इधर वाले ताली नहीं लगा रहे हैं क्या? सारे भूत पूर्व इधर बैठे हैं, अब आप जवान हो जाए। सुनिए, कि चाहत है मेरी तू तू ही, चाहत है मेरी तू तू ही अरमान है मेरा, तू जान है मेरी तू ही ईमान है मेरा, जब तक मैं जीऊं जब तक मैं जीऊंगी तेरी बाहों में रहूंगी, मैं सारी उम्र तेरी पनाह में रहूंगी, मैं सारी उम्र तेरी पनाह में रहूंगी।
मांगा भी तो अल्लाह से मांगा है तुझी को, मांगा भी तो अल्लाह से मांगा है तुझी को, चाहा भी तो जी जान से चाहा है तुझी को, चाहा भी तो जी जान से चाहा है तुझी को, साए की तरह मैं सारी उम्र तेरी पनाह में रहूंगी। और ये भाई मुलाजा कर लीजिएगा, जो मोहब्बतें आपने दी है आपके हवाले करती हूँ, समाप्त कीजिएगा कि जिस रोज मेरे पास में तू आएगा प्यारे, जिस रोज मेरे पास, जिस रोज मेरे पास में तू आएगा प्यारे, राहों में बिछाऊंगी तेरे चांद सितारे, जिस रोज मेरे पास में तू आएगा प्यारे, राहों में बिछाऊंगी तेरे चांद सितारे, मैं तेरी कसम, मैं तेरी कसम तेरे गवाहों में रहूंगी, मैं सारी उम्र तेरी पनाह में रहूंगी, मैं सारी उम्र तेरी पनाह में रहूंगी। और ये गीत का आखिरी बंद आपकी मोहब्बतों के हवाले करती हूँ। आपने जिस तरह से भी सुना, मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। हालांकि मेरा मूड अभी तक नहीं बन पाया है, लेकिन मेरी जिम्मेदारी है, मैं जिम्मेदारी अदा कर रही हूँ। सुनिए कि बदले ये जहाँ चाहे बदल जाए जमाना, बदले ये जहाँ चाहे बदल जाए जमाना, शबनम को कभी अपनी नजर से न गिराना, बदले ये जहाँ चाहे बदल जाए जमाना, शबनम को कभी अपनी नजर से न गिराना, गर आवी गर आवी निकले सारी उम्र तेरी पनाह में रहूं, सारी उम्र तेरी पनाह में रहूं, क्या कहना क्या कहना, मैं सारी उम्र तेरी। और एक बार ताली बजा कर थोड़ा सा मुझे बस एहसास करा दे कि आप बहुत ज्यादा नहीं डूबे हैं, थोड़ा सा ऊपर आ जाइएगा। और जिम्मेदारी के साथ बतौर खास मुझे गीत की फरमाइश है, और उस गीत के लिए मुझे कहीं ना कहीं महसूस होता है कि जब नहीं, मैं थोड़ा सा ये मोहब्बत आपने बहुत अच्छे से नहीं निभाई है, इसलिए थोड़ा सा जो जिम्मेदारी है उसे पूरा करने की कोशिश करती हूँ। थोड़ा सा आप बात बात करिएगा, ये चाय वाले को बता दीजिएगा, सारी चाय अभी भेजिएगा, ये मेरी दुकान का सामान नहीं बिकने दे रहा है और अपने सामान बेचने में लगा। उसकी दुकान बंद हो या ना हो, आप अपनी दुकान खोल दीजिए, क्योंकि मेरे पास टाइम की कमी है। जी जी बिल्कुल हाजिर करती हूँ। चार मिसलों से अपनी बात शुरू करती हूँ, सुनिएगा, एक थोड़ा सा अलग माहौल से आपको जोड़ने की कोशिश करते हैं, सुनिएगा। जी 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 कि दिल से नफरत के चरा, दिल से नफरत के अंधेरों को मिटाया जाए, दिल से नफरत के अंधेरों को मिटाया जाए। आप माइक एक बार सेट कर दीजिएगा, मुझे वैसे बहुत दिक्कत हो रही है, सुनिएगा। एक बार ताली बजा दीजिएगा, थोड़ा सा मुझे लगे आपकी तवज्जो। कि दिल से नफरत के अंधेरों को मिटाना होगा, फिर मोहब्बत के चराहों को जलाना होगा, फिर मोहब्बत के चराहों को जलाना होगा, चाहते होके अगर सहारा देके, प्यार से प्यार का माहौल बनाना होगा, प्यार से प्यार का माहौल बनाना होगा। और वो गीत आपकी खिदमत में हाजिर करती हूँ, जिसके लिए मुझे गीत का मुखड़ा और एक पंथ की गुंजाइश है, बस एक मुखड़ा और एक पंथ की गुंजाइश है, बस पूरा गीत पढ़ने की गुंजाइश बिल्कुल नहीं है। मैंने अपना सारा वक्त वैसे ही खत्म करके इकबाल भाई के लिए दस बारह मैं तो कुछ नहीं कह सकती हूँ, वक्त की कमी है, इसलिए मैं आप सबसे खुदा हाफिज़ कहती हूँ, शुक्रिया।